वेल दोस्तों, जब वीडियो स्टार्ट कर ही रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ पर आप लोन अमाउंट देख लो कि मुझे इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा पूरे 18,000 का मुझे यहाँ पे लोन ऑफर कर रहा है, जो अभी आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हो। और दोस्तों, सबसे मजे की बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे जो मुझे 18,000 का जो लोन ऑफर बताया जा रहा है, बस मुझे पैन का आधार कार्ड से KYC कम्प्लीट करने पर, यानी कि दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करते टाइम बस अपने पैन का आधार कार्ड डिटेल्स दिया और यहाँ से अपना KYC कम्प्लीट किया और मुझे यहाँ पे बता दिया गया कि मैं इस लोन एप्लीकेशन के अंदर पूरे 18,000 का लोन एलिजिबल हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसे लोन एप्लीकेशन के तलाश में थे जो आपको पैन का आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करने पर आपको लोन दे दे, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, यह लोन एप्लीकेशन बस आपको पैन का आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करके लोन प्रोवाइड कराता है। लेकिन दोस्तों, आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है और आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेस बताया हूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो इस लोन एप्लीकेशन का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो मैं दिए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से भी आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। और वैसे मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। और जैसे आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम ओपन कर लोगे, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इंटर मोबाइल नंबर। तो आपको इस बॉक्स में मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। फिर दोस्तों, इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नीचे वो कंटिन्यू का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों यहाँ पे आप जो भी मोबाइल आप इस लोन एप्लीकेशन का प्रोवाइड करोगे, उसी मोबाइल पर इस लोन एप्लीकेशन का एक OTP आएगा। तो OTP इंटर करके वहाँ से आपको वेरीफाई OTP ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे वहाँ से अपना OTP इंटर करके यहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों अब यहाँ से आप इस लोन एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आ जाओगे। और होम स्क्रीन पर आने का दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर दो टाइप के यहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक लोन देखने को मिल जाता है जिसका नाम है कैश लोन, जिसमें दोस्तों आप यहाँ से मिनिमम 5,000 से लेकर मैक्सिमम पूरे 1,00,000 तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। और कैश लोन के अंदर जो आपको लोन अमाउंट दिया जाता है मिनिमम 3 मंथ लेकर मैक्सिमम पूरे 1 साल तक के लिए यहाँ पे आपको लोन अमाउंट दिया जाता है। और उसके ठीक नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक लेबर लोन भी दिया जाता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे आपको मिनिमम 1,000 से लेकर मैक्सिमम पूरे 15,000 तक का लोन अमाउंट दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेबर लोन के ठीक सामने ओनली KYC लिखा हुआ रहा है, यानी कि दोस्तों आप यहां से लेबर लोन के अंदर आप बस पैन का आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करके लोन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, काफी सारे लोगों के माइंड में आता है क्या होगा कि अगर हम कैश लोन के अंदर जाएंगे लोन अप्लाई करने, तो यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट से आपको सैलरी स्लिप वगैरह यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, कैश लोन के भी अंदर आप यहाँ से KYC कंप्लीट करके लोन ले सकते हो। दोस्तों, मैं आपको आज के उसमें बताऊंगा कि यहाँ से आप कैश लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, आज की डेट में हर किसी को बड़ा लोन अमाउंट लेना है, तो बड़ा लोन अमाउंट लेने के लिए वो पैन का आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करके अब वो करना क्या पड़ेगा, कैश लोन के ठीक नीचे आपको अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों नीचे दो टर्म एंड कंडीशन देखने को मिलेगा, तो आपको इन दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नीचे एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहां से आप एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, ऊपर आपको देखने को मिल जाता है हाउ मच डू यू नीड मनी, यानी दोस्तों आपको कितना लोन अमाउंट की नीड है, उतना लोन अमाउंट यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर आप देखते हैं हिसाब से बताया जा रहा है कि सेलेक्ट लोन अमाउंट। दोस्तों, सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, जैसे हम यहाँ से मिनिमम 5,000 से लेकर मैक्सिमम पूरे 1,25,000 का लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हम करेंगे क्या, जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि मुझे यहाँ पे मतलब 25,000 का लोन लेना है, ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से 25,000 लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर दोस्तों, अगर आपको 6 मंथ के लेना है या 1 साल के लेना है, 3 मंथ के लेना, जितना मंथ के लेना वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों, अगर हम इस लोन एप्लीकेशन अंदर अगर 25,000 का लोन लेते हुए 6 मंथ के लेते हैं, तो मेरा जो पर मंथ EMI हो जाएगा 4,863 रुपए का हो जाएगा। और इंटरेस्ट जो यहाँ पे लगाया जाएगा 2.4% लगाया जाएगा। यही दोस्तों, मैं 25,000 का लोन अगर 1 साल के लिए लेता हूँ, मेरा जो पर मंथ EMI हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो 2,602 रुपए का। तो दोस्तों, हम यहाँ से 1 साल के लिए लेंगे, तो हम यहाँ से नेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक कर लेते। और जैसे ही आप नेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि पर्पज क्या, क्यों लोन लेना चाहते हो। यहाँ पे काफी सारा पर्पज देखने को मिल जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर पर्सनल इमरजेंसी के लिए लेंगे, तो हम यहाँ पर्सनल इमरजेंसी वाले ऑप्शन क्लिक कर
लेते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि आपका मेरिटल स्टेटस क्या, आप शादीशुदा या सिंगल हो, आप जो भी हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ से आपका एडुकेशन लेवल पूछा जाएगा कि आपका पढ़ाई कहाँ तक कम्प्लीट हो चुका है, वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हाउस टाइप, यानी कि दोस्तों आप जिस घर में रहते हो, आपका खुद का घर या रेंट पर रहते हो या किसी रिलेटिव के घर में रहते हो, वह सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डू यू हैव ए जॉब, यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको अपना इंप्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है कि आप इंप्लॉयमेंट टाइप आप हो क्या। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, आप सैलरीड पर्सन सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड भी सिलेक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट हो तो दोस्तों स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। हाउस वाइफ हो तो यहाँ से आप हाउस वाइफ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो हम यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आपका रोजगार का प्रकार क्या है, यानी दोस्तों आप जो जॉब करते हो किस प्रकार का करते हो, रेगुलर इंप्लॉयर हो या दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल हो, जो भी हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आप जो जॉब करते हो कितने साल कितने मंथ से करते हो, वह सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ से अपने कंपनी का नाम इंटर कर देना है कि आपके कंपनी का नाम क्या है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि आप एक दुकानदार हो या खुद का कोई दुकान है, तो यहाँ से अपने दुकान का नाम इंटर कर सकते हो। दोस्तों हम यहाँ से अदर ही रहने देते हैं। फिर दोस्तों हम यहाँ से नेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक कर लेते हैं, और जैसे ही यहाँ से आप नेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों यहाँ पे अपने जॉब का इंडस्ट्री आप इंटर कर देना है कि किस प्रकार का आपके यहाँ से दुकान है। जैसे दोस्तों हम यहाँ से बैंक फाइनेंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका किस प्रकार के कार्य करते हैं, वह इंटर कर लीजिए। जैसे यहाँ से मैंने बैंकिंग फाइनेंस सेलेक्ट किया, तो प्रोफेशनल भी इंटर कर सकते हो, बैंकर भी इंटर कर सकते हैं, तो हम यहाँ प्रोफेशनल इंटर कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका मंथली इनकम क्या, महीना कितना कमा लेते हो, वह इंटर करके स्टेटमेंट कंडीशन को एक्सेप्ट करके नीचे नेक्स्ट का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक कर लेना। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक करने से पहले दोस्तों मंथली इनकम में आपको मिनिमम 25,000 कम से कम डालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे नेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से नेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक कर लिया है। फिर दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो मंथली इनकम आता है किस डेट को आपको मिलता है, वो इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आपका जो इनकम मिलता है वो आपको बैंक में मिलता है, चेक मिलता है, कैश मिलता है, जिस भी प्रकार से मिलता है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से पूछा जा रहा है आपका पसंदीदा लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी या इंग्लिश या तमिल या तेलुगु, जो भी हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ से हिंदी सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर ली है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, जैसे दोस्तों इंग्लिश भी रहेगा ऊपर और नीचे भी रहेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने पहले लोन का अनुभव किया है, यानी दोस्तों आपने कभी लोन लिया है, तो यहाँ से यस अंडरस्टैंड वाला ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। आप नहीं लियोगे तो नो वाला ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है वेरीफाई विद ईमेल। तो जैसे आप इस वाला ऑप्शन क्लिक कर लोगे, आपके फोन में जितना भी ईमेल होगा वहां से अपना कोई सा एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आपके उस ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, तो वहां से आप उस ईमेल को ओपन कर लेना है। फिर वहां से कंटिन्यू वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है, और जैसे ही यहां से कंटिन्यू वाला ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आप जो भी ईमेल यहां पे दियोगे आपका ईमेल आईडी से वेरीफाई हो जाएगा। फिर दोस्तों नीचे माई लोन का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से आपको माई लोन वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम इसी प्रकार से यहां से अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेते हैं। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहां से अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लिया, फिर यहां पर आप देख लो कि मेरा लोन ऑफर यहां पे चेक किया जा रहा है कि मैं इस लोन एप्लीकेशन का कितना लोन एलिजिबल हो। तो दोस्तों यहां पे करना क्या पड़ेगा, यहां पे आपको एक से डेढ़ मिनट समथिंग वेट कर लेना है। दोस्तों आपको इस पेज को बिल्कुल भी बैक वगैरह नहीं करना है, हो सकता है 3-4 मिनट भी समय आपको लगेगा। तो दोस्तों 3 से 4 मिनट समथिंग आप वेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहां से कुछ टाइम यहां पे वेट कर लेते हैं। दोस्तों मुश्किल से मैंने इस लोन एप्लीकेशन का 40 सेकंड यहां पे वेट किया, और 40 सेकंड के अंदर में यहां पे लोन ऑफर आ चुका है कि हम इस लोन एप्लीकेशन के अंदर पूरे 18,000 का लोन एलिजिबल है। और यहां पर आप देख सो नीचे साफ साफ बताया जा रहा है कि योर लोन हैज बी अप्रूवड, यानी कि दोस्तों मैं इस लोन एप्लीकेशन का पूरे 18,000 का लोन ले सकता हूं। तो दोस्तों आपको जितना भी लोन ऑफर करेगा वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको इस लोन अमाउंट को लेना है तो नीचे आपको सी डिटेल्स का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से आपको सी डिटेल्स वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहां से आप सी डिटेल्स वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों ऊपर आपका लोन अमाउंट यहां पे देखने को मिल जाएगा, जैसे यहां पर आप देख सकते हो। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि हम यहां से मिनिमम 5,000 से लेकर मैक्सिमम पूरे 18,000 तक का लोन अमाउंट ले सकते हैं। दोस्तों आपको जितना भी लोन ऑफर करेगा आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जितना लोन ऑफर किया गया उससे कम लोन अमाउंट लेना चाहते हो, आपको जितना भी लोन ऑफर किया गया उतना ही लोन अमाउंट लेना चाहते हो वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो 18,000 का लोन है यह मुझे यहाँ पे 6 मंथ के लिए दिया जा रहा है। और दोस्तों मान लेते हैं कि अगर हम 18,000 का लोन 6 मंथ के लेते हैं, तो मेरा जो पर मंथ ईएमआई हो जाएगा 3711 रुपये का हो जाएगा। मंथली जो मैं इंटरेस्ट यहाँ पे लेगा 4.19% यहाँ पे लेगा। और मुझे जो 6 महीने में इनको टोटल रिपेमेंट करना, यहाँ पर आप देख सकते हो 19,371 रुपया। तो दोस्तों अपने लोन का सभी डिटेल्स देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अपना लोन अमाउंट सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों टेनवर सिलेक्ट करके नीचे आप एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ जाता है कन्फर्म एंड प्रोसीड, तो यहाँ से वो कन्फर्म एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और दोस्तों जैसे ही आप कन्फर्म एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाएगा एड बैंक अकाउंट। तो दोस्तों
यहाँ से अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देना है कि आप कौन से बैंक अकाउंट में अपना येलो मार्ट लेना चाहते हो। और दोस्तों जैसे ही यहाँ से अपने अकाउंट डिटेल्स इंटर कर दोगे, फिर दोस्तों लगभग आपको 10 से 12 मिनट के अंदर में आप जो भी अकाउंट डिटेल्स दिए हो उसी अकाउंट में इस लोन अप्लीकेशन के द्वारा सक्सेसफुल यहाँ से पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप भी कुछ इसी प्रकार से इस लोन अप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आपको इस लोन अप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है और आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। इस लोन अप्लीकेशन का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन में जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। तो बस गाइस आज की इस वीडियो इतना, जो वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लीजिए जय हिंद।